हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज एक और हम न्यू कार का जो है कंप्लीट आपको डिटेल वॉक राउंड लेकर के आए हैं, जो कि रेनो काइगर की रिसेंटली लॉन्च RXT वेरिएंट है। और इसके अंदर आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशन, क्या क्या इसके अंदर फीचर मिलते हैं, आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार के वेरियंट की। तो ये काइगर का RXT वेरियंट है, जो कि 1.0 लीटर टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको दिया गया है। और ये कलर की बात की जाए तो ये आपके सामने कैप्शन ब्लू कलर की गाड़ी अवेलेबल है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको 4 अदर कलर्स भी मिल जाते हैं। और साथ ही इस कार का एक्स शोरूम कॉस्ट 7,60,000 रुपये का दिल्ली में मिलता है, और दिल्ली ऑनरोड कॉस्ट ये कार आपको करीब 8,90,000 रुपये की पड़ जाती है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट फीचर्स की। तो फ्रंट प्रोफाइल आपका एक बार इस देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर फ्रंट का प्रोफाइल देखने को मिलता है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा लुक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे देखें तो आपको काफ़ी वाइडर सी विंडस्क्रीन मिल जाती है। उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट टू वाइपर्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप मैन्युअली वर्क करा सकते हैं। साथ ही नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बोनट है वो आपको थोड़ा सा एरोडायनेमिक डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो बड़ा सा आपको यहाँ पे जो है रेनो का लोगो देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप फ्रंट ग्रिल देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल के ऊपर भी क्रोम के इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये ग्रिल दी गई है। और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो है फ्रंट DRLs जो है वो आपको मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स मिल जाते हैं। दोनों साइड देखें तो किस तरीके का आपको लुक मिलता है, तो काफ़ी प्यारा यहाँ पे आपको लुक भी देखने को मिल जाता है। और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है, एक बार इसको भी ऑन मैं कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऊपर जो DRL मिल जाते हैं, उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको फ्रंट टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी बड़े साइज के अंदर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हाई बीम और लो बीम दोनों ही एक साथ यहाँ पर दी गई है, कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है। जो कि अगर आप कहें तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट की ज़रूरत इस हेडलैम्प्स के बाद नहीं पड़ेगी, जिसकी पोजीशन नीचे की तरफ होने की वजह से। तो कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखें तो ये दोनों हेडलैम्प्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं इस ब्लैक कलर की स्ट्रिप लाइन के साथ। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोनों को कनेक्ट किया गया है फ्रंट से। और बॉडी कलर का ही आपको यहाँ पर फ्रंट बम्पर भी देखने को मिल जाता है, जिसके नीचे आपको यहाँ पर फ्रंट रेडिएटर ग्रिल भी दी गई है, जिसका लुक आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और बोल्ड आपको यहाँ पर फील देने वाला है। तो साइड प्रोफाइल एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको कम्प्लीट साइड प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। और बात करते हैं सबसे पहले इसके जो व्हील आर्चेस की। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है SUV स्टाइल के लिए यहाँ पे आपको व्हील आर्चेस जो है वो भी देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके का इनका लुक आता है। और व्हील्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो व्हील इस तरीके का मिलता है। वैसे ये आपको दिखाऊँ तो ये आपको फ्लैक्स व्हील यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि ये जो है वो स्टील रिम है, इसके ऊपर आपको व्हील कवर्स लगे हुए हैं, जो देखने में बिल्कुल ही आपको एलॉय का लुक देते हैं। और जब तक आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लुक देखने को मिल जाता है। और अगर आप टायर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे आपको 195/60R16 यानी कि 16 इंच के आपको जो है यहाँ पे व्हील दिए जाते हैं, जो कि सीएट कंपनी के टायर्स के साथ आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका आपको यहाँ पर लुक मिलता है। फ्रंट फेंडर पर आपको पियानो ब्लैक कलर के अंदर फ्रंट फेंडर एक्चुएटर भी दिया गया है, जो कि आप अगर RXZ वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको RXZ लिखा हुआ आएगा, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वहीं अगर आप आउटसाइड रियर व्यू मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर के अंदर आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। और ये मिरर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल टाइप के मिल जाते हैं, आपको ओपन इसको मैनुअल ही करना होगा। बात करते हैं इसके रूफ रेल्स की। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिल्वर कलर के अंदर रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि आपको फंक्शनल रूफ रेल दी गई हैं। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इस रूफ रेल के ऊपर का, ये एज अ पार्ट ऑफ एन एसेसरी है, आप इसको एसेसरीज में परचेज भी कर सकते हैं। बाकी रूफ रेल आपको जो निचले वाले रूफ रेल है यही सिर्फ आपको कंपनी से मिलती है, जो कि फंक्शनल आपको रूफ रेल दी गई है। एंड बात करते हैं इसके प्रोफाइल की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बी पिलर और जो सी पिलर है वो यहाँ पे आपको ब्लैकआउट टेप के साथ दिया गया है। फ्रंट पिलर यानी कि ए पिलर आपको बॉडी कलर का ही मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बेल्ट लाइन है वो भी ब्लैक कलर में ही दी गई है। और डोर हैंडल्स भी जो हैं वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर ही मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का उनका लुक आपको यहाँ पर मिलता है। तो काफ़ी इजीली आप इसको जो है एंटर कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो साइड डेकल्स भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, साइड डेकल आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर मिलता है। तो अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में और देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से आपको फीचर दिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एंटीना मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही रियर
में आपको रूफ स्पॉइलर ये भी यहाँ पर मिल जाता है, डुअल टोन में आप कह सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे बॉडी कलर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर फिनिश मिलता है। एंड ये भी आपको सीधा नहीं मिलता है, इसमें भी आपको एक डिज़ाइन मिलता है कुछ इस तरीके का, आप डिज़ाइन यहाँ पर भी देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा और स्पोर्टी लुक यहाँ पर आपको रियर से इस स्पॉइलर की वजह से देखने को भी मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर आपको दिया गया है, साथ ही रियर में आपको वॉशर यहाँ पर मिल जाता है। रियर विंडशील्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके की रियर विंडशील्ड आपको यहाँ पर मिलती है, और रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफोगर नहीं मिलता है। रियर डिफोगर अगर आप चाहिए तो आपको RXZ वेरिएंट पर जाना पड़ेगा, RXT वेरिएंट के अंदर आपको रियर में डिफोगर नहीं मिलता है, और रियर वाइपर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। टेल लैंप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सी शेप LED टाइप रियर टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक आपको मिलने वाला है रियर से। और अगर आप देखें तो इस टेल लैंप्स की वजह से रियर का लुक जो है वो काफ़ी बोल्ड भी नज़र आता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, 1.0 लीटर इंजन के साथ ये मिलता है। और बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रेनो की लोगो भी दिया गया है, जिसके बीच में अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको रेनो के लोगो के बीच में बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की भी प्लेसमेंट की गई है, जो कि काफ़ी खूबसूरती से इसको लगाया गया है। उसके नीचे आपको काइगर का बैजिंग मिल जाता है, और कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको काइगर की बैजिंग मिलती है, और इस साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेनो की बैजिंग भी मिल जाती है। तो रियर लुक भी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और अपना जो बम्पर है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके का, आपको ब्लैक कलर में बम्पर में मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट की गई है। 3 पॉइंट पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ आपको स्किड प्लेट भी दी गई है, जो कि सिल्वर कलर के अंदर आपको मिल जाती है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है रियर में। अब चलते हैं इस कार के बोर्ड को एक्सेस करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप आपको बूट ओपनर मिल जाता है, जिसे ये बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, जिस भी आप इसको प्रेस करेंगे तो इसको बूट को आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको 405 लीटर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको रिवर्स जो रियर पार्शियल ट्रे है वो भी मिल जाती है, जिसको आप डी अटैच भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है दोनों साइडों से आप इसको हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। डी अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको ऊपर की तरफ खींचना है तो ये पार्शियल ट्रे भी डी अटैच हो जाती है। तो इसको भी अगर आप चाहें तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। साथ ही जो अपनी अगर आपके पास जो है वो कार्गो ज़्यादा है, बूट स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो रियर सीट है ये 60:40 स्प्लिट डाउन फंक्शन के साथ आपको मिल जाती है। तो आप चाहें तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, यानी कि जैसे कि आप चाहें तो कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, तो अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से इस सीट को भी डाउन कर सकते हैं, अपने कार्गो स्पेस को बढ़ा सकते हैं। और आपको और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना ये है कि आप इसको भी जो है वो डाउन कर सकते हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कार्गो स्पेस यहाँ पर हो जाएगा, लगेज रूम आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, जिसको आप अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक हुक मिल जाता है, और ये दोनों ही तरफ आपको दिया गया है, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। और बात करते हैं एक बार स्टेपनी की, तो स्टेपनी टायर भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो कुछ जिसके लिए आपको यहाँ पर इसके नीचे आपको स्टेपनी टायर मिल जाता है, जो कि सीएड कंपनी का ही है। और इसका प्रोफाइल अगर मैं बात करूं तो इसके प्रोफाइल एक बार देखें तो यहां पे आपको सेम प्रोफाइल मिलता है 185/65R50, यानी कि यहां पर आपको 15 इंचेस के स्टील रिम्स दिए गए हैं स्टेपनी टायर्स के अंदर। तो दोस्तों आप करते हैं बूट को बंद और चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और देखते हैं कि कौन कौन से इंटीरियर में आपको फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसकी की भी आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की, आपको यहाँ पे स्मार्ट एक्सेस कार्ड टाइप की मिलती है, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, एंड आपको अदर फीचर्स भी इस की के ऊपर दिए गए हैं। कुछ इस तरीके की मिलती है आपको, पीछे आपको रेनो की बैजिंग भी मिल जाती है। चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और देखते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार आप देखें तो जो इसके गेट की ओपनिंग है वो कुछ इस तरीके की है, काफ़ी ज़्यादा आपको वाइडर गेट की ओपनिंग भी मिल जाती है, तो आप इजीली कार के अंदर एग्रेस और इंग्रेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। और कंप्लीट ब्लैक कलर का ही आपको यहाँ पर इंटीरियर थीम देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको कॉपर में जो है थोड़ी सी फिनिशिंग मिलती है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो है वो डोर, ड्राइवर साइड डोर की। तो ड्राइवर साइड डोर में सबसे पहले आप ऊपर देखें तो आपको इनसाइड डोर हैंडल जो है वो पियानो ब्लैक
फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ड्राइवर साइड ही आपको डोर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको कई सारे फंक्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिरर की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे सारे कंट्रोल दिए गए हैं, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं, विंडो लॉक का कंट्रोल दिया गया है। साथ ही ड्राइवर साइड में ही आपको यहाँ पर ग्रिप हैंडल भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है कम्फर्टेबल आपको रहता है जब भी आप ड्राइव करें तो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कॉपर फिनिश भी देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की यहाँ पर मिलती है। और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी तरीके का फैब्रिक तो नहीं है, लेकिन जो मटेरियल है उसका काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और एक डिज़ाइन पैटर्न में यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और ये गंदा भी नहीं होगा। आप एक बार ही कपड़ा मारकर इसको भी साफ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर आपको चार स्पीकर मिल जाते हैं, तो स्पीकर्स की जो प्लेसमेंट है वो आपको चारों डोर्स के अंदर मिलती है, तो कुछ इस जगह पर आपको स्पीकर मिल जाएंगे, साथ ही बोतल होल्डर मिल जाता है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से रहता है आपका ड्राइवर डोर। और अब इंटर करते हैं इस कार के इंटीरियर के अंदर। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एसी वेंट की, तो यहाँ पे कॉपर फिनिश के अंदर ही एसी वेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, उससे आप हेडलाइट की लेवल को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है, जब इसको पुल करेंगे तो फ्यूल लीड जो है वो ओपन हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एज एन पार्ट ऑफ एसेसरी है, ये मैट जो है वो एसेसरीज का पार्ट है, इसको आप एज एन एसेसरीज भी परचेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, सिंपल सोबर सा है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पियानो ब्लैक की फिनिश देखने को मिल जाएगी, कुछ तरीके का है। बीच में आपको रेनो का लोगो मिल जाता है, एक एयरबैग भी आपको यहाँ पर एसआरपी कंपनी का एक एयरबैग भी मिल जाता है। साथ ही जो अपना लेफ्ट साइड है इसके ऊपर आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील नज़र आता है। और देखते हैं कि आप स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट भी है क्या, तो जी बिल्कुल, इस स्टीयरिंग व्हील को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने पोजिशन के हिसाब से, इसको आप टिल्ट जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक लीवर मिलता है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, या लॉक करने के लिए और ये लॉक करने के लिए आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इसके। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 8.9 सेंटीमीटर का LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ दिया गया है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, रेनो की बैजिंग और बहुत ही सारे आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको डोर ओपन का इंडिकेशन मिल जाता है, टोटल किलोमीटर्स मिल जाते हैं, एवरेज का आपको यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और बहुत सारी वार्निंग वगैरह भी आपको यहाँ पर सब कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके के इसके अंदर फीचर देखने को मिलते हैं। और क्लस्टर के साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को इन्हेंस कर रहा है। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको वैसे ही कंप्लीट ब्लैक कलर का ही डैशबोर्ड मिलता है, जहाँ पे क्रोपर की फिनिश यहाँ पर आपको बीच में दी गई है, कुछ इस तरीके की नज़र आती है। एंड म्यूज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है म्यूज सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको 8 इंचेस का म्यूज सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, वार्निंग हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है, और यहाँ पे आपको ईगो का एक बटन भी मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल टाइप का ही एसी वेंट एसी कंट्रोल्स मिल जाता है, आपको इसको मैनुअली आपको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़ोन होल्डर यानी कि मोबाइल होल्डर यहाँ पे आपको दिया गया है वो। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जिसके सराउंड में आपको क्रोम का इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही फ्रंट USB चार्जर आप USB सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और नीचे की तरफ भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगा, और एक यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छुपा हुआ सा आपको 12 वोल्ट का फ्रंट एसेसरी सॉकेट भी दिया गया है। अगर आप यहाँ देखें गियर लीवर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसके साइडों में आपको साइड में आपको जो है वो क्रोम की एक्सेंट भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो सेंटर कंसोल है वो कंप्लीट ब्लैक कलर में मिल जाता है। अगर आपने RX-Z वेरिएंट भी देखा हुआ होगा तो उसके अंदर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, लेकिन RX-T वेरिएंट के अंदर आपको ये कंप्लीट ब्लैक कलर में ही मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है कैबिन के अंदर, आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक यूटिलिटी स्पेस जो है यहाँ पर भी दिया गया है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको की वगैरह रखने की काफ़ी आसानी होगी। और आर्मरेस्ट के ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पर आप आर्मरेस्ट के नीचे भी जो है वो कंप्लीट एक तरीके का ये स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं पार्किंग ब्रेक की, तो यहाँ पर आपको क्रोम टिप के अंदर पार्किंग ब्रेक लीवर मिल जाता है, कुछ इस पोजिशन के अंदर यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरीके का ये लगता है, इसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सनवाइजर्स की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट दी गई है, और उसके नीचे आप देखें तो सनवाइजर जो है वो ड्राइवर साइड में आपको सनवाइजर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक कैबिन लैंप भी मिल जाता है, और
कैबिन लैंप यहाँ पे एक आपको दिया गया है, साथ ही यहाँ इस पूरे कैबिन के अंदर आपको दो कैबिन लैंप मिल जाते हैं, एक पीछे की तरफ सेकंड रो के अंदर और एक आपको फर्स्ट रो के अंदर भी दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मैनुअल टाइप जो है आपको मैनुअल एडजस्टेबल डे टाइम डे नाइट टाइप का यहाँ पे आपको IRVM भी दिया गया है। कुछ इस तरीके से आप इसको भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और को ड्राइवर साइड बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको सनवाइजर तो मिलता है, लेकिन उसके साथ में आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी दिया गया है। एंड अगर आप देखें तो को ड्राइवर साइड ही आपको यहाँ पर जो है ग्रिप हैंडल मिल जाते हैं, ग्रिप हैंडल आपको रियर सीट्स पर भी दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रियर सीट्स पर भी ग्रिप हैंडल भी मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड डोर आप एक बार चेकआउट कर लीजिए किस तरीके का मिलता है। और कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर आपको कॉपर का जो फिनिश है वो भी दिया गया है। आप बात करते हैं ग्लोव बॉक्स की, तो आपको ग्लोव बॉक्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर भी जो है वो ग्लोव बॉक्स मिलता है, यानी कि ट्विन ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं आपको। और कुछ इस तरीके का यहाँ पर पोजिशनिंग इनकी की हुई है। एंड बात करते हैं, देखें कोई सा आपको क्या पता कूल टाइप का ग्लोव बॉक्स आपको नहीं मिलता है, आपको दोनों ही जो है वो नॉर्मल टाइप के ग्लोव बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। और की सारी बात हमने करी ली है, और अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो एक बार आप इसकी सीट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री मिल जाती है। RXT वेरिएंट के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट पैटर्न मिलता है, RXZ के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे आपको इस्तेमाल किया गया है। डिज़ाइन आप यहाँ पे चेंज देखेंगे और कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको स्टिचिंग भी देखने को मिल जाती है। एंड ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल टाइप के मिल जाते हैं, जिसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको नो मिलता है, इसको आप पुल करेंगे तो उस तरीके से यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ड्राइवर साइड सीट की मैं बात करूँ तो ड्राइवर साइड सीट जो है वो आपको कितने में एडजस्ट मिलती है, यहाँ से आप इसको रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको हाइट को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये भी आपको मैकेनिज्म मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये टोटल 6 वे एडजस्टेबल टाइप की आपको ड्राइवर साइड जो है अपनी सीट वो भी मिल जाती है। तो ये तो हो गई ड्राइवर सीट की बात, अब चलते हैं रियर में और देखते हैं कि वहाँ पर आपको कौन कौन से फंक्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों रियर डोर कुछ इस तरीके का खुलता है, अगर आप देखें तो काफ़ी वाइडर इसकी भी अपनी ओपनिंग यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। कितनी मिलती है ये आप एक बार देख भी सकते हैं। और रियर में बात करते हैं तो रियर में आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का लीवर मिल जाता है, साथ ही इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश का ही दिया गया है। कुछ इस तरीके का इनसाइड डोर हैंडल आपको मिलता है, और पीछे की तरफ भी आपको कॉपर फिनिश यहाँ का पूरा ध्यान रखा गया है। एंड उसी तरीके का पैटर्न मिलता है जैसे कि आपको फ्रंट में दिया गया है, रियर पावर विंडो और थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक तरीके से कॉइन स्पेस आप इसको कह सकते हैं वो भी मिल जाता है। रियर अपने रियर स्पीकर्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि डोर्स में लगे होते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है। अब चलते हैं रियर में और एंटर करते हैं यहाँ पे कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो रियर सीट एक बार आप इसकी अपोल्स्ट्री देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे आपको रियर सीट की अपोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। एंड रियर सीट के अंदर भी आपको जो है वो एडजस्टेबल टाइप के रियर हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, जिसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बीच में देखें तो यहाँ पे आपको जो है रियर में आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको जो है वो ट्विन कप होल्डर भी मिलता है, साथ ही आप अपने फ़ोन को भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इसे और लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक भी रहता है। अब बैठते हैं सीट के ऊपर, देखते हैं कि क्या फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड सीट के पीछे, अगर आप देखें तो ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको मैप पॉकेट दी गई है, इसी तरीके से आपको को ड्राइवर सीट के पीछे भी मिल जाती है। एंड बीच में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर, यानी कि काफ़ी हाइट के ऊपर आपको यहाँ पर रियर AC का वेंट भी मौजूद आपको मिल जाएगा, जिसको आप जो है फॉलो एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी आप एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको रियर में 12 वोल्ट का फ्रंट रियर एसेसरी सॉकेट भी दिया गया है। और अगेन कहूँगा जो ये आपको मैटिंग दिख रही है ये एज एन पार्ट ऑफ एसेसरी है, एक्चुअल फ्लोरिंग जो इसकी आती है वो कुछ इस तरीके की आपको मिलती है। तो कंप्लीट इंटीरियर जो है यहाँ पे आपको जो है ब्लैक मिलता है अंदर की तरफ से, ऊपर के रूफ आपको बेज कलर में दी गई है, फ्रंट से जो अपना लुक आता है रियर से अपना फ्रंट का लुक है कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। तो ये हो गई रियर सीट की बात, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है, जो कि 1 लीटर का है, यानी कि 999 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो कि 100 PS की पावर और 160 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। अगर इसी इंजन के साथ अगर आप नॉर्मल यानी कि एनर्जी इंजन के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इस वेरिएंट के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट प्रीटेशनर एंड
फोर्स लिमिटर और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर आपको इस रेनो काइगर के RXT वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आई होप मैंने सारे फीचर्स इस कार के कवर कर दिए हैं। अगर कोई फीचर अगर मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपके पास सेल से रिगार्डिंग कोई क्वायरी है, आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेनो जो नोएडा में मौजूद है शोरूम, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।